हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है फटनी राइस पर। मैं हूं देवी सिंह। फटनी राइस आज एक बड़ा अनाउंस करने जा रहा है। बड़ा अनाउंस क्या है कि भाई, मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस का जो आपका यानी 16 मार्च इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यूपी पीसीएस का 16 मार्च को नोटिफिकेशन आया है, तो इसी के संबंध में जो वटनी रईस है, तो हमारा मतलब इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक बड़ा अनाउंस होने जा रहा है यूपी पीसीएस के संबंध में। अनाउंसमेंट क्या है कि यूपी पीसीएस का कोर्स जो कि ये यानी आज से 17 मार्च से लॉन्च कर दिया गया है। ये आपका कोर्स एग्जाम से काफी समय पहले कंप्लीट कोर्स, इवन करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करवाया जाएगा। जो एग्जाम है, तो एग्जाम का डेट आपको पता होगा कि 12 जून को है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास पूरा यानी आधा मार्च, अप्रैल और मई, तो 2.5 महीना पूरा पूरा है। तो इन 2.5 महीने में पूरा यूपी पीसीएस का कोर्स साथ में करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध करवाएंगे। और इसका जो प्राइस बहुत उचित प्राइस होगा। उचित प्राइस का मतलब क्या है? उचित प्राइस का मतलब ये है कि हमारा जो प्राइस है, आपको कंटेंट एकदम बहुत बेहतर, और उसके साथ साथ आपको पीडीएफ, पीडीएफ के साथ इसमें कंप्लीट कोर्स करंट अफेयर्स साथ में 3999। और एक चीज और बता दो, ये जो 3999 है, ये होली ऑफर है, जो इस समय ये होली ऑफर है। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लें होली ऑफर के उपलक्ष्य में 3999 रुपए का। अगर हम बात करें तो 2 दिन बाद यानी जैसे ही होली गई, तो इसी का रेट 5000 से ऊपर हो जाएगा। फिर आप नहीं कहिएगा कि सर आप हमें ये क्या कर दें कि सॉरी आप हमें यहाँ पे डिस्काउंट कर दें, फिर हमारे पास हमारे हाथ में लगभग चीजें नहीं रहेंगी। तो फिर डिस्काउंट इस समय चल रहा है, तो आप इसका पूरा भरपूर फायदा लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस का जो फॉर्म है, तो भी भरना शुरू हो गया है। फॉर्म भरने की जो अगर हम अंतिम तिथि की बात करें, तो 16 अप्रैल है, और जो है ये कल से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 16 मार्च से 1 महीने तक ये फॉर्म भरा जाएगा। मैं कहूंगा कि सभी जो है जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, उनसे मैं ये कम से कम उम्मीद रखता हूँ कि यूपी पीसीएस का फॉर्म भरेंगे। और एक बहुत अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात, यूपी पीसीएस के अंतर्गत जो है, किसी प्रकार का यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं। कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर जो है आरोप लगते रहे हैं, लेकिन यूपी पीसीएस में इस बात को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ऐसे कभी आरोप नहीं लगे हैं। जैसे कि उसके 2-4 उदाहरण है। एक बात जो है, बिहार का बच्चा यहाँ पे टॉप किया था, और अभी पिछले से पिछले वर्ष हरियाणा का बच्चा यहाँ पे टॉप किया था। तो इससे अंदाजा या कयास लगाए जा सकते हैं कि यहाँ पर जो है एकदम एग्जाम जो है और फेयर होता है, और उसके साथ साथ जो एग्जाम फेयर होता है, आपको जो इंटरव्यू वगैरह में जो मार्क्स मिलते हैं वो भी बहुत बेहतरीन, और मतलब किसी प्रकार से कोई भी आउटसाइडर के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और ये हमारा कोर्सेज जो है कंप्लीट कोर्स है। इसमें से आपको जो सीसेट वाला सेक्शन है वो भी मिल जाएगा, जो यूपी पीसीएस के अंतर्गत जो सीसेट का सेक्शन है। और ये होली ऑफर है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ 3999। तो आज ही आपके पास मौका है, और 2 दिन और, जैसे होली गई तो फिर आपके पास मौका नहीं है। तो फॉर्म भर दीजिए और यूपी पीसीएस की तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ पोस्ट के बारे में बता देता हूँ कि भाई इसमें कितना क्या पोस्ट है। और आपको पता है कि इसमें डायरेक्ट जो है एसडीएम का पोस्ट भी होता है। तो 39 कितना है भाई? 39 एसडीएम का पोस्ट है। इसके साथ साथ 93 जो डीएसपी, डीएसपी का, ये दोनों पोस्ट बहुत क्रीम पोस्ट होती हैं, आप जानते होंगे। जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है और जो ये डीएसपी है यानी जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, ये दोनों क्रीम पोस्ट होती है। इसके बाद इसमें से जो 36 यानी बीडीओ की पोस्ट है, किसकी भाई? बीडीओ की पोस्ट है। इसके बाद इसमें से 34 जो है एनटी, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार का पोस्ट है। और इसमें से 13 बीएसए, बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होता है,
बीएसए का पोस्ट है, और इसके बाद जो इसमें से करीब 4 एआरटीओ का पोस्ट है, एआरटीओ का पोस्ट है, 5 इसमें जो डीपीआरओ का पोस्ट है, 5 इसमें से डीपीआरओ का पोस्ट है, और इसमें से जो है 14 सीडीपीओ, 14 क्या है भाई, सीडीपीओ, 14 सीडीपीओ का, और 34 पोस्ट जो है एलाइड है, क्या है भाई, एलाइड है। तो ये है हमारी पोस्ट, बाद में पोस्ट बढ़ाई भी जा सकती है, आपको पता है कि कई बार ऐसा हुआ है। तो करीब करीब हमारी अगर हम बात करें तो 250 के आसपास जो है पोस्ट है, बहुत ठीक ठाक पोस्ट है, पोस्ट में कोई कमी नहीं है। और ये दोनों सभी कोशिश करें कि आपको एसडीएम या प्रॉपर डीएसपी मिल जाए, ठीक है। तो भाई ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके पास आज का मौका है, कल का मौका है और परसों का मौका है, तो इन 3 दिनों के अंदर 3999 में इस कोर्स को अवेल कर लें। हमारा जो है जीएस वाला पोर्शन वैसे ही एक सीक्वेंस मैनर में पढ़ता जाएगा, और जो यूपी स्पेशल के साथ साथ आपको एक और काम करेंगे कि इसमें से यूपी जो स्पेशल के साथ साथ जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर है, ये इसकी क्लासेस हमारी कल से शुरू होंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और हम जो है इसको बहुत जोरों शोरों के साथ कंप्लीट करते हैं, और सभी से मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे जो यूपीएससी देते होंगे या बीपीएससी देते होंगे, यो यूपीपीएससी भी भरते होंगे, देखो हर एक एग्जाम का नेचर अपना अलग अलग होता है। आप कई बार बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि भाई यूपीएससी हम तैयारी कर लिया है या कर रहे हैं तो यूपीपीएससी हो जाएगा। देखो देखो यूपीएससी जो है ना, ये कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड एग्जाम होता है जो यूपीएससी है। अब जो यूपीपीएससी से ये मिक्स टाइप एग्जाम होता है, या कोई भी स्टेट सिविल सर्विस मिक्स टाइप एग्जाम होता है, इसमें से कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट का उतना ही रोल होता है जितना कि कॉन्सेप्ट का। तो हर एक जो एग्जाम की अपनी एक विषय वस्तु होती है, और उस विषय वस्तु के अकॉर्डिंगली हमको तैयारी करनी पड़ती है। आपने देखा होगा, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं कि एक व्यक्ति है, मतलब मेरे रिलेटिव ही है, कि पिछले 3 बार से वो यूपीएससी का, 2 बार से मेंस, मतलब 3 बार से मेंस और 2 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं। बीपीएससी का उन्हें 3-4 बार से लगातार मेंस और इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन यूपीपीसीएस का उनका पीटी नहीं हो रहा है। जो यूपीपीसीएस है तो उनका पीटी नहीं हो रहा है 4-5 बार से, मतलब अब तक नहीं हुआ है, और हर बार एग्जाम देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि हर एक एग्जाम की अपनी विषय वस्तु होती है, उसके पढ़ने का तरीका होता है, तैयार करने का तरीका होता है। तो वही जो है हम सहारा आपका बनेंगे, और आप हमारे माध्यम से अर्थात भटनी राइस के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि पूरी कंप्लीट यूपीपीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, कल से हम जोरों शोरों से शुरुआत करते हैं। ओके okay?